बिलवाड़ा में समुदाय विशेष के युवकों पर दिन दाड़े हुई फायरिंग का पुलिस ने किया खुलासा। बदले की भावना से चलाई गई थी गोलियां। बिलवाड़ा में गुरुवार को दिन दाड़े फायरिंग की घटना के बाद तनाव के बीच बिलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने दो हमलावरों को दर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों में से एक नाबालिग बताया जा रहा है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू होते हुए अजमेर आईजी रुपिंदर सिंह ने किया। गौरतलब है कि गुरुवार शाम शहर के शास्त्री नगर बल्ला चौराहे पर दो सगे भाइयों पर 3 से 4 राउंड फायर हुए थे। इस फायरिंग में इब्राहिम नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी टोनी गंभीर घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी भी उदयपुर चिकित्सालय में चल रहा है। आईजी रुपिंदर सिंह ने कहा कि 24 नवंबर की शाम बल्ला चौराहे पर बाइक सवार दो युवकों पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने काचोला के पास से रघुवीर उर्फ कालू तापड़िया को हिरासत में लिया, जबकि उसके साथ में एक नाबालिग को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने घटना के दौरान काम में ली गई पिस्तल और स्कूटी भी बरामद कर ली। आईजी ने यह भी कहा कि पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। आईजी रुपिंदर सिंह ने यह भी बताया कि 10 मई रात को शास्त्री नगर में आदर्श तापड़िया की हत्या हुई थी, जिसको इस ताजा घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है। अभी प्रारंभिक जांच में बदले की भावना से घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। 24 नवंबर शाम करीब 3 बजे एक घटना हुई भीलवाड़ा शहर में, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर जा रहे दो व्यक्तियों पर एक स्कूटी सवार दो लड़कों द्वारा गोली चलाई गई। उस घटना में बाइक सवार दो व्यक्तियों में से एक की डेथ हो गई और एक घायल हो गया, जो कि उपचाररत है और खतरे से बाहर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और देर रात तक दोनों जो एक्यूज्ड हैं मुलजिम, उनको दस्तयाब कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस घटना में जिस वाहन और जिस हथियार का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, उनको भी पुलिस कब्जा में लिया गया है। विस्तृत पूछताछ और कार्रवाई के बाद अग्रिम जो लीगल कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। सो समय रहते तुरंत कार्रवाई करने से घटना का खुलासा एक तरफ जो हुआ है, और साथ ही इन अपराधियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, ताकि इन्होंने अगर किसी अन्य वारदात की है या करने वाले हैं तो उस पर भी समय रहते एक्शन लिया जाएगा। पूरी घटनाक्रम में जो बात सामने आई है वो ये है कि ये दोनों पार्टीज़ जिस पे हमला हुआ है और जिसने हमला किया है, ये पहले से ही एक घटना में इन्वॉल्व थे, जिसके चलते इस घटना को मर्डर फॉर रिवेंज, बदले की भावना से किया गया घटना सामने आई है। इसी साल मई महीने में जो एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें आदर्श तापड़िया नाम का व्यक्ति था जिसका मर्डर हुआ था, उसके मर्डर करने वाले के परिवार से जो उस समय मुलजिम थे, उसी परिवार से जो है वो कल के घटना के विक्टिम बने हैं, उनके ऊपर गोली चली है। और जो तापड़िया फैमिली है उनके परिजन हैं, जो उनके मिलने दोस्त और मित्र और वो अलग ग्रुप इस घटना में मुलजिम की कैटेगरी में सामने आया है। तो ये जो खुलासा है ये समय रहते ही हो गया है, इससे अग्रिम कार्रवाई पुलिस की जारी है और कानून व्यवस्था शांति बनी हुई है। सर, दोनों को राउंडअप किया है, वो बालिग है या नाबालिग है? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में एक बालिग हमारे सामने आया है और एक नाबालिग जो विधि से संघर्षरत बालक है वो सामने आया है। इनको ये जो दो लोग हमने डिटेन किए हैं, ये थाना काछोला एरिया में से इनको पकड़ा है, और इनके और सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। ऑफ कोर्स कल की घटना के बाद पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को और भी राउंड अप पूछताछ के लिए किया था। अगर किसी का रोल निकलेगा तो वैसी कार्रवाई होगी।